वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर साउथ में। सो फाइनली जो है 200 कैंसलेशन के बाद इतना सारा टिकट चेकिंग हुआ, और मैंने आपको बताया भी था कि 425 को लास्ट शो है, अगर मिला तो देखूंगा और वीडियो डालूंगा रिव्यू के तौर पर। तो फाइनली टिकट्स मिल गए और मैं अभी शो देख के ख़त्म करके आ रहा हूँ और तुरंत ही वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो अगर बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 60% तक ऑक्यूपेंसी इस फिल्म को मिली है। ऑडियंस का फुल सपोर्ट मिला है, जिस तरह का ऑक्यूपेंसी मुझे वहाँ पे देखने को मिला। कुछ गिने चुने सीट्स फ्रंट पेयर को छोड़ के, बाकी के पीछे पेयर सब कुछ फुल थे। और यहाँ पे तो भाई अब तक की 50% ऑक्यूपेंसी अभी तक लगी हुई है। और पूरे फिल्म में इतना सारा सस्पेंस है, वो एक ही सेंटिमेंट को खोलने तक हमको लास्ट तक वेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता नहीं चला कि ये क्या चल क्या रहा है। मतलब वो जो पैसा है 10,000 करोड़ का, मतलब 10,000 करोड़ की एक रॉबरी है, और वो एक मनी है, ब्लैक मनी आप कह सकते हो। और इस तरह के सीक्वेंसेस को जिस तरह से डायरेक्शन दिया गया है ना, मुझे लगता है कि एंड तक आपको सस्पेंस क्रिएट करके रखेंगे कि एंड में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और इंटरवल के बाद ही आपको स्टोरी के बारे में पता चलेगा, इंटरवल से पहले आपको कुछ भी स्टोरी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतने सारे ट्विस्ट हैं आपको समझ भी नहीं आएगा। पल में आप सोचेंगे कि रवि तेजा अच्छा कर रहे हैं, फिर पल में सोचेंगे बुरा कर रहे हैं, फिर इंटरवल के बाद ही सारा चीज़ क्लियर होगा। और ज़्यादा स्टोरी मैं रिवील नहीं करूँगा, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 4.5 स्टार मैं इसको दूंगा। और डायरेक्शन एकदम कमाल का है, DSP का म्यूज़िक साथ में इसको 4 चांद लगा रहा है। और रवि तेजा को पहली बार स्क्रीन पे देखने को मिला हिंदी के तौर पर, और नॉर्थ में अच्छा ऑक्यूपेंसी मेरे यहाँ पे मिली है। अब दूसरे जगह पे देखते हैं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आता है। लगभग 3-4 करोड़ तो आ ही जाएगा, जितना मुझे लगता है ओवरऑल कलेक्शन का, अगर बात करें सिर्फ हिंदी वर्जन में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बाइक चेजिंग सीन जो है बाहर में शूट किया गया था, फॉरेन में, और वो जो सिक्वेंस है इस फिल्म में डाला गया है, मैं आपको बता दूँ इतना खतरनाक सिक्वेंस है वो। लॉन्ग टर्म मतलब 15 मिनट के आसपास या 12 मिनट के आसपास वो पूरा सीक्वेंस चला, और एंड में वो क्लाइमैक्स के टाइम आता है। थोड़ा क्लाइमैक्स से थोड़ा सा पहले वो जो सीक्वेंस है वो आता है, किस तरह से सबको घुमा घुमा के वो पैसे को वो लूट रहे हैं रवि तेजा। तो ओवरऑल इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। तो आपने इस फिल्म को अभी तक देखा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।